नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। अक्सर हमें बच्चों को टिफ़िन के अंदर कुछ ना कुछ देना होता है या बच्चे कुछ अचानक से खाने की जिद करें, तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही बढ़िया फ्राइड केक बॉल्स। खाने में बहुत टेस्टी हैं और टिफ़िन में ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगी। आप चाहें तो उन्हें बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और सुबह के समय इसको देरी भी नहीं लगेगी, फटाफट से हम इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए अंदर तक काफ़ी सॉफ्ट है और इसको आप चॉकलेट सॉस से गार्निश करके और ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर एक कप के लगभग गर्म दूध लेंगे, उसमें आधा कप हम चीनी डाल देंगे और चीनी को अच्छी तरह मिलाने के बाद दो चम्मच इसमें हम कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप खाने का हल्का सा पीला रंग और वेनिला एसेंस डाल सकते हैं। अब हम इसमें एक कप के लगभग मैदा डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाते हुए मिलाएंगे। उसके बाद जब अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें एक चम्मच के लगभग दही डाल देंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। हमें इसे शुरू में 5-10 मिनट तक अच्छी तरह चलाना है ताकि ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी इस तरह से हो जाएगी और साथ में जो ये इसके लम्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से लम्स ख़त्म हो गए। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। इतनी देर हम तलने के लिए ऑयल गरम कर लेंगे। 10 मिनट के अंदर बहुत अच्छा बैटर केक के लिए तैयार है और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है, ये देखिए। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून के लगभग बेकिंग सोडा मिला देंगे। अगर आपके पास बेकिंग सोडा ना हो तो आप उसकी जगह 1/2 चम्मच इसमें इनो फ्रूट पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे केक काफ़ी फ्लफ़ी बनेगा। मैं अभी आपको अंदर तक काट के दिखाऊंगी। इसके अंदर बहुत अच्छी जाली भी तैयार होगी। बस अब हम इसमें 1 टेबल स्पून पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह से सिर्फ 15 से 20 सेकंड तक चलाएंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है, नहीं तो बेकिंग सोडा का जो फ्लफ़ीपन है वो इसमें से ख़त्म हो जाता है। बस ये अच्छी तरह से फूल गया है। अब हमने जो ऑयल गरम किया था इस तरह मैं करछी के अंदर हल्का सा ऑयल लूँगी। करछी अच्छी तेज गरम होनी चाहिए और इसके अंदर ऑयल को अच्छी तरह हमें लपेट लेना है। बस अब हम 2-2 चम्मच के लगभग बैटर इसमें डालते जाएंगे। उसके बाद हम इसे ऑयल में डिप करेंगे और 1/2 चम्मच की हेल्प से हम इसके ऊपर ऑयल जो है वो डिप करते जाएंगे। ऑयल डालने से क्या होगा, ये बिल्कुल गोल फूल जाएगा और वैसे भी हमने ये करछी में बनाया है तो इसको बिल्कुल केक की बॉल्स बनकर तैयार होंगी, जो बच्चों को टिफ़िन में अगर आप देंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बस इस तरह अब हम इसे आराम से निकाल लेंगे। हमें इसमें ना एक्स्ट्रा शुगर डालने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें हमने 1/2 कप के लगभग चीनी मिलाई है, तो इतने केक के लिए ये काफ़ी है। इतने बैटर के अंदर कम से कम 10 या 12 बॉल्स बनकर तैयार होंगी। आप इन्हें 2-3 दिन तक आराम से रखकर बच्चों को सर्व कर सकते हैं। इतनी देर दूसरी बॉल गोल्डन हो रही है तलने के लिए, इतनी देर मैंने और बैटर डाल दिया उसी करछी में। अब हम इसे भी चम्मच से अच्छी तरह से ऊपर से इसके ऊपर ऑयल कर देंगे जिससे इसकी शेप बिल्कुल गोल हो जाएगी। बस इसी तरह से करके हम एक एक करके सारी बॉल्स को तलकर तैयार कर लेंगे। बच्चों को ये बॉल्स खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। बच्चों को ही नहीं, आप घर में किसी को भी अगर सर्व करेंगे तो उन्हें बॉल्स बहुत पसंद आएंगी और ये बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, आप बेफिक्र रहें। बस इस तरह से हम धीरे धीरे निकाल लेंगे। शुरू में 1-2 बॉल हो सकता है कि आपकी हल्की सी चिपके, लेकिन जब करछी अच्छी गर्म हो जाएगी और इसके ऊपर अच्छी तरह लेयर ऑयल की चढ़ जाएगी तो उसके बाद ये चिपकेगी नहीं। ये देखिए कितनी अच्छी बॉल बनकर तैयार है। इसी तरह से 1-1, 2-2 करके हम सारी बॉल्स तलकर तैयार कर लेंगे। आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा चॉप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। बस चॉप ड्राई फ्रूट डालने से इन बॉल्स की शेप हो सकता है गोल ना आए, तो इसलिए इस तरह से ही बनाना ज़्यादा सही है। आप चाहें तो थोड़ा सा छोटा या बड़े साइज़ की बॉल जैसी आपको पसंद हो उस तरह बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितने आराम से अब 1-1 बॉल जो करछी अच्छी तरह गर्म हो गई है तो निकल कर तैयार हो रही है। बस अब हम इसे टिफ़िन में रख देंगे और साथ में इसके ऊपर चॉकलेट सॉस या क्रीम या कैरेमल, जो सॉस आपके पास अवेलेबल हो उसके साथ आप इसे सर्व कर दीजिए। आप चाहें तो इसे आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आइसक्रीम के साथ भी ये चॉकलेट बॉल्स बहुत ज़्यादा खाने में अच्छी लगेंगी। ये देखिए अंदर तक कितनी अच्छी जाली बनी हुई है और बहुत ही अच्छा फ्लफी केक बनकर तैयार हुआ है और इस केक को हमें बेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सबका मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को फुल वॉच करें। थैंक यू।